नमस्कार दोस्तों, आज 26 दिसंबर बढ़ते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की युवती से जयपुर में दुष्कर्म, आरोपी ने 5 साल लिव इन में रहकर की ज्यादा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम बोले, जन विश्वास बिल से दूर होगी लघु उद्यमियों की समस्याएं। 7 साल बाद भाई ने बहन से लिया बदला, जेल से बाहर आते ही उठाया खौफनाक कदम। ट्रैफिक पुलिस ने लड़की से कहा, दोस्ती करो या चालान कटाओ। एसपी के पास पहुंची छात्रा, दूसरी जाति में प्रेम विवाह करने पर भाई ने की बहन की हत्या, ससुर को भी मौत के घाट उतारा। आरपीएससी पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई, जब्त होगी संपत्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा। आरएसएस बीजेपी पर सीएम गहलोत का हमला, बोले ये जय श्री राम बोलकर भड़काते हैं, जब नफरत का खेल नहीं चलेगा। प्रदेश में सर्दी का स्तंभ जारी, माउंट आबू का पारा माइनस में पहुंचा, बढ़ेगा शीतलहर का प्रकोप। राजस्थान के सिक्किम में शहीद हुए तीनों जवानों का आज होगा अंतिम संस्कार, पार्थिव शरीर पहुंचने पर गांव में शोक की लहर। मां के सामने ही तेज रफ्तार डंपर में 6 साल की मासूम को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम। चलती बस में नकल कराने वाले सभी नकलची आजीवन ब्लैकलिस्ट, 4 शिक्षाकर्मी बर्खास्त। पेपर लीक मामला, 28 दिसंबर को शहीद स्मारक पर जुटेंगे आक्रोशित युवा।